हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सबसे पहली बात तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अगर हम बहुत ही ज़्यादा लेमैन लैंग्वेज की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है। जब किसी बिजनेस के लिए किसी गुड्स को, कोई गुड्स को सप्लाई करने के लिए या किसी बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए कोई फ्रॉड करे, ठीक है, मतलब उस बिजनेस का ओनर फ्रॉड करे, वो होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसे हम लोग समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सो मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस विच अडॉप्ट्स एनी अनफेयर मेथड, कोई अनफेयर मेथड अडॉप्ट किया है। और अनफेयर और डिसेप्टिव प्रैक्टिस का मतलब ये है कि अपने कंज्यूमर्स को वो चीट कर रहे हैं उन गुड्स से या सर्विसेज प्रोवाइड करके, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग द सेल। पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को करने का, इस प्रैक्टिस को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि वो अपनी सेल कर सकें। यूज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स, ठीक है, जब वो कंज्यूमर को देंगे तो भाई सप्लाई उनका बढ़ेगा और फिर कंज्यूमर उसको यूज करेगा। और फॉर द प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में, अगर आप उसे थरली रीड करेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वही पॉइंट्स अभी हम समझेंगे एक एक पॉइंट को, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, फॉल्सली रिप्रेजेंट्स दैट द गुड्स आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। जो सप्लायर है उसने क्या किया है, फॉल्सली यानी कि झूठा, झूठ का सहारा लेते हुए ये बताया है कि गुड्स इस तरीके के हैं या बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, झूठ बोला है। हालांकि वो जो गुड्स हैं जो उसने डिलीवर करवाए हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, बट इसी को हम लोग कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कि बताया कुछ और दिया कुछ, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्वालिटी क्वांटिटी, क्वालिटी उसकी ख़राब है, दिखाई कुछ क्वालिटी आई कुछ क्वालिटी, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में कई बार होता है, ठीक है, वो चीज़ हुई। क्वांटिटी का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ ऑनलाइन शॉप कर रहे हो, उसमें लिखा हुआ है कि फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट 200 ग्राम की क्वांटिटी है, बट आपको जब रिसीव हुई तो 50 ग्राम की ही क्वांटिटी का प्रोडक्ट रिसीव हुआ। सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कॉम्पोजिशन यानी कि उस प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन कुछ और है ये बता करके आपको बेचा, और जब वो प्रोडक्ट आपको मिला तो उस प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन आपको कुछ और ही समझ में आया, ठीक है, स्टाइल और मॉडल, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, फॉल्सली रिप्रेजेंट द सर्विसेज आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वालिटी और ग्रेड, या फिर सर्विसेज जो उन्होंने प्रोवाइड की उसके लिए झूठ बोला है कि सर्विसेज तो भाई हमारे बिल्कुल A1 क्वालिटी की हैं, बिल्कुल A+ ग्रेड है, लेकिन बिल्कुल B ग्रेड क्वालिटी का उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगा। फॉल्सली रिप्रेजेंट्स एनी रीबिल्ड सेकेंड हैंड रिनोवेटेड रिकंडीशनड और ओल्ड गुड्स एज न्यू गुड्स। आपने आप जब कभी अपना Amazon अगर आप खोलोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें लिखा होता है रिन्यूड, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे, आप अगर अभी अगर आप सर्च करो मोबाइल फ़ोन तो आपको कई मोबाइल फ़ोन्स ऐसे दिखेंगे जिसमें उनका रिन्यूड का टैग होता है। डू यू नो व्हाट दैट मीन्स, दैट मीन्स कि जैसे मान लो उनके पास कोई प्रोडक्ट आया, किसी कस्टमर ने फॉर एग्जाम्पल रिटर्न किया है कोई प्रोडक्ट, ठीक है, अब उन्हें वो प्रोडक्ट रख के वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसको कुछ ठीक करके या उसको किसी तरीके से, अगर मान लो उसमें कोई डैमेज है, कोई चीज़ है, कोई उसमें प्रॉब्लम है इंटरनली, तो उसको ठीक करके वो उसको दोबारा बेचते हैं, ठीक है। तो रिन्यूड का मतलब वही होता है कि कोई प्रोडक्ट कस्टमर ने रिटर्न किया है और वो प्रोडक्ट दोबारा से ठीक करके वो बेचते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब रिन्यूड होता है। यहाँ पर तो बात हुई कि अमेज़ॉन वालों ने बताया है कि ये प्रोडक्ट रिन्यूड है, बट कभी कभी कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो नहीं बताते हैं, वो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेच देते हैं ऐसा बता करके कि ये बिल्कुल एकदम फ्रेश प्रोडक्ट है। तो इस पॉइंट का मतलब आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर पॉइंट आता है, रिप्रेजेंट्स दैट द गुड्स और सर्विसेज हैव स्पॉन्सरशिप अप्रूवल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेसरीज यूजेस और बेनिफिट्स विच सच गुड्स और सर्विसेज डू नॉट हैव। अब उस गुड्स या सर्विसेज के लिए झूठ क्या बोला, झूठ बोला गया है कि उसके कुछ यूजेस हैं, ठीक है, इस तरीके कुछ उसके उसमें स्पॉन्सरशिप है, अप्रूवल है, कोई परफॉर्मेंस है उस प्रोडक्ट का, बट एक्चुअल में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस चीज़ के लिए झूठ बोला गया, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा। रिप्रेजेंट्स दैट द सेलर और द सप्लायर हैज़ अ स्पॉन्सरशिप और अप्रूवल और
affiliation which such seller or supplier does not have. अभी ऊपर हम पढ़ रहे थे goods और services के बारे में. Second point में क्या बात करी गई है, सेलर या सप्लायर के बारे में बात करी गई कि इस चीज़ के लिए भी उन्होंने झूठ बोला कि कोई स्पॉन्सरशिप है उनके पास, ठीक है, कोई अफिलिएशन है किसी कंपनी से, ये सारी चीज़ें तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगी. ठीक है, मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड फॉर और द यूजफुलनेस ऑफ एनी प्रोडक्ट्स ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज. अब क्या उस प्रोडक्ट का बताया कि भाई वो बहुत ही ज्यादा एकदम ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट है, उसका बहुत एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, एकदम यूजफुल प्रोडक्ट है, ऐसा बताया गया. बट जब वो प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर के पास आया और जब वो उसे यूज करता है तो वो उस प्रोडक्ट को उतना यूजफुल नहीं, मतलब यूजलेस समझता है, यूजलेस मानता है उस प्रोडक्ट का, उतना क्वालिटी जो उसका काम करने का एफिशिएंसी था वो उतना नहीं है. तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा. फिर वही चीज है कि दिखाया कुछ और भेजा कुछ और. गिव्स टू द पब्लिक एनी वारंटी और गारंटी ऑफ द परफॉर्मेंस एफिशिएंसी और लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट और ऑफ एनी गुड्स दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एडिक्वेट और प्रॉपर टेस्ट. देखो वारंटी और गारंटी के लिए झूठ बोला गया है कि भाई 2 या 3 साल की गारंटी वारंटी जो भी है इतने टाइम तक की है. हालांकि जो हमारा सप्लायर है उसने खुद ही उस पर कुछ टेस्ट नहीं कर रखा है कि भाई किसी प्रोडक्ट की, भाई किसी भी प्रोडक्ट की, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हो, स्किन केयर प्रोडक्ट हो, किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी कोई शेल्फ लाइफ होती है कि भाई ये इतने दिन तक है कि आपने जब डब्बा खोला है तो आप इसको 12 महीने तक यूज कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर. ठीक है, अब उस बारे में कुछ बताया नहीं गया हुआ है, वारंटी गारंटी उस प्रोडक्ट की नहीं है, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में ही आएगा. मटेरियली मिसलीड्स द पब्लिक कंसर्निंग द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट और लाइक प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज हैव बीन और आर ऑर्डिनरी सोल्ड और प्रोवाइडेड. मान लो किसी दुकानदार ने आपको कोई प्रोडक्ट बेचा 200 रुपए में, ये कह के कि सारी मार्केट में आपको वो प्रोडक्ट 200 रुपए का ही मिलेगा और इससे कम का नहीं मिलेगा. आपको बाद में पता चलता है कि वो प्रोडक्ट 200 रुपए का ना हो करके 50-60 रुपए का ही प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में अवेलेबल है. मतलब उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 50-60 रुपए ही है और आपको बेचा कितने में गया है, 200 रुपए में. तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा. नाउ लास्ट पॉइंट, गिव्स फॉल्स और मिसलीडिंग फैक्ट्स डिस्पैरेजिंग द गुड्स सर्विसेज और ट्रेड ऑफ अनदर पर्सन. ठीक है, फॉल्स और मिसलीडिंग फैक्ट्स बताता है उस गुड्स या प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब समझ में आया होगा. सिंपल सी बात यह है कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस का सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट का सेल करने के लिए या अपनी सर्विसेज को अच्छा दिखाने के लिए जब कोई झूठ बोलता है, और ऐसा कुछ होता नहीं, ना उसको प्रोडक्ट अच्छा होता है, प्रोडक्ट की ना क्वालिटी अच्छी होती है, ना कोई वारंटी, ना गारंटी, कुछ भी नहीं है, उस प्रोडक्ट को ज़बरदस्ती महंगे प्राइस पे बेचा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी आती हैं ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आती हैं. तो आई होप आप लोगों को ये वाला सेक्शन अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा. अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.